मार्गशीर्षा कब है? मार्गशीर्ष महत्व और शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्षा अमावस्या 2022। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या और पितृ अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की तारीख क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए। मार्गशीर्षा अमावस्या 2022। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। इसे अगहन अमावस्या और पितृ अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का महत्व कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या से कम नहीं है। यह माह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए इसमें लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से पापों का नाश होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष माह में ही भगवान कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, इसलिए इस माह की अमावस्या तिथि को अत्यधिक लाभकारी और पुण्य फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन पूजन और व्रत से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरी दोष दूर होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। इस अमावस्या पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 23 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर को सुबह 06:53 से प्रारंभ होगी और 24 नवंबर को सुबह 04:26 पर इसका समापन होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 05:22 से लेकर 05:49 तक। अमृतकाल 1:24 से लेकर 02:54 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रात 09:37 से लेकर 24 नवंबर को सुबह 06:51 तक। भक्तों, आप सब लोगों से विनती है कि इस दिन अपने पितरों के नाम का किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर आप लोगों को ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप वह भोजन किसी भी गाय को खिला सकते हैं। और अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के स्थान पर अवश्य जाकर आइए और उनको नहलाइए और उनको वहां पर भोग प्रसाद आप जैसी विधि से उन चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाकर जरूर आइए। इस अमावस्या को अगर आप अपने पितरों को नहलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आती है। भक्तों, आप लोगों से विनती है कि आप जो भोजन ब्राह्मण को कराएं वो भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। जैसे उस भोजन में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, हींग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भोजन अगर आप किसी ब्राह्मण को कराते हो तो वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त होता है और ऐसा भोजन करने से वह भी तामसिक हो जाते हैं और घर में इसी भोजन के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। आप लोगों के घर में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं, क्योंकि आप लोग अपने घर में भोजन तो ब्राह्मण को करा देते हैं परंतु वह भोजन तामसिक होता है और तामसिक भोजन ग्रहण करने के बाद आपके पितर भी तामसिक हो जाते हैं, जल्दी क्रोध करने लगते हैं। यह तामसिक भोजन करने से हमको भी ऐसे ही क्रोध आता है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि यह तामसिक भोजन कृपया आप लोग भी अवश्य छोड़ दें। भगवान आपके घर में शांति बनाए रखें। भक्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे हनुमेश जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।